हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ नवाबों का शहर लखनऊ की मोस्ट पॉपुलर मोन्यूमेंट बिल्डिंग, जिसे कहा जाता है बड़ा इमामबाड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा इमामबाड़ा का यह कंप्लीट व्लॉग होने वाला है। बड़ा इमामबाड़ा को गाइस भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है। इसमें टोटल 1024 दरवाजे हैं जाने के अंदर, लेकिन वापिस आने के सिर्फ दो ही दरवाजे हैं, ठीक है, मेन गेट और एक एग्जिट गेट। तो सिर्फ दो ही दरवाजे, इसलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट व्लॉग होने वाला है, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। जी हाँ दोस्तों, माई सेल्फ चेतन प्रकाश एंड यू आर वॉचिंग व्लॉग टॉनिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सुबह की शुरुआत चाय और पराठे के साथ। तो ये है भाई लखनऊ की चाय और पराठा। और गाइज आपको बता दूँ, लखनऊ बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है खाने पीने की, ठीक है, जैसे कि यहाँ का चाट, लखनऊ की रुमाली रोटी पूरे भारत में प्रसिद्ध है गाइज। ये देखिए गाइज, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है संरक्षित स्मारक, यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये बोर्ड लगाए हैं। गाइज हमने एंट्री ले ली है इमामबाड़ा के अंदर, और सामने टिकट अभी हम खरीदेंगे, ठीक है। और हमने पता किया कि टिकट का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसको अवध के नवाब आसिफाजुद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। भाई जी, आपके जो सामने है ये है आशिफी मस्जिद, और इसके बिल्कुल ही अपोजिट में बनी हुई है दी बावली। बावली गाइज एक तरह से कैमरे का काम करती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैमरे वगैरह नहीं होते थे। और इसको आप ये जो सामने इस साइड को बिल्डिंग देख रहे हो, वो है मेन इमामबाड़ा की इमारत, और उसके साइड में है वहाँ पर भूल भुलैया। गाइज, क्या आप लोगों को पता है इमामबाड़े को बनने में टोटल 11 साल लगे थे, और इसमें 22,000 मजदूरों ने काम किया था। इसको हर सुबह बनाया जाता था, रात को तुड़वाया जाता था। दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज। टू योर सरप्राइज, द मैसिव सेंट्रल हॉल ऑफ द बड़ा इमामबाड़ा इज द ओनली मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड टू स्टैंड विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम वुडन आयरन और स्टोन बीम। It is about 15 meter tall and it seeks no support. I don't know the real science behind this, but this surprised me a lot. If you know, please mention in the comment box. Guys, I am eagerly waiting for your comment. जब हम एंट्री लेने जा रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग यहाँ की, दी भूल भुलैया, और हमने एंट्री ले ली है। भाई एंट्री तो ले ली है, लेकिन अब बाहर निकलना किसी न किसी तरह, देखते हैं भाई। ये भी हमारे लिए एक एडवेंचर से कम नहीं है, ठीक है। और जैसे गाइज, ये टेरेस का फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि छत का फर्स्ट फ्लोर, इसमें टोटल फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे हर फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक्चुअली यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है।
ये देखिए गाइज, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। यार काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा। ये देखिए यहाँ पर, ये मेन, यहाँ पर ये देख सकते हो मेन एंट्रेंस दिख रहा है जहाँ से हमने एंट्री ली थी गाइज, ठीक है। तो ये यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको। ये देखिए गाइज कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार ऊपर से, सच में भाई आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दिस। और गाइज आपको बता दूं, जो इमाम बाड़ा है इसकी जो इमारत है इसमें सीमेंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी बिल्डिंग खड़ी कैसे है। जी हाँ दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यही इसको सबसे सभी बिल्डिंग से अलग बनाती है वर्ल्ड की, ठीक है। एक्चुअली इसमें गाइज उड़द की दाल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें यूज़ हुई हैं। मैं आपको बता दूँ, उड़द की दाल, बेल गुड़, ठीक है, और मिट्टी वगैरह यहाँ पर इसमें, क्योंकि उस टाइम सीमेंट का नहीं यूज़ की थी इसमें, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है गाइज। ये देखिए गाइज काफ़ी अंधेरा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई नहीं है यार, उस वक्त नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही देख सकते हो यहाँ पर बीच बीच में। और यहाँ पर गाइज वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई यार, हम इतना घूम चुके हैं, ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत की और, लेकिन अभी तक हमें वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। फुली वेंटिलेटेड है यहाँ पर, देख सकते हो। ये बाहर का कुछ व्यू मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो ये पूरा पूरा, ये अंदर का भी। अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसी भाई ऐसी सीढ़ियाँ हैं भाई यहाँ पर, देख सकते हो यार। सच में भूल भुलैया यार, क्या बताऊं भाई आपको, सच में जब आप आओ ना यार, ये बिल्डिंग ना भाई द मोस्ट, मतलब आज तक की मेरी सबसे, जितने भी मैंने आज तक के व्लॉग बनाए भाई, सबसे इंटरेस्टिंग ये मेरे को लगा भाई टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। तो ये है गाइज इसका इनसाइड का व्यू। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं जो एक्चुअली, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा यार इस वक्त। गाइज आपको फिर से टेरेस पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये है इसकी दूसरी मंजिल, और आपको दिखा दूँ एक बार फिर से व्यू टेरेस का भाई। ये है यहाँ का टेरेस का व्यू। तो यू कैन सी गाइज यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे गाइज यहाँ पर आ गए। और आपको बता दूँ ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है हर साल, ये है गाइज यहाँ का व्यू। और आपको बता दूं जो ये आप सामने देख रहे हो ना, ये है, ये एक्चुअली यार KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किसी टाइम पे ये जो हमारा नवाब साहब थे उनका मुसाफिर खाना हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बाद में इसको एक हॉस्पिटल बना दिया ताकि लोगों का फ्री में इलाज हो सके, फ्री में सेवा हो सके। चलिए एक बार फिर आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कैसा है सिटी का व्यू यहाँ से देख सकते हो। गाइज एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको यहाँ की बताता हूँ, मैं अभी टेरेस पे हूँ और टेरेस से ही मेरे को अभी पता चला है कि यहाँ पर एक चोर दरवाज़ा भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चोर दरवाज़ा। उस समय जो लोग प्रोटेक्ट करते थे यहाँ पर, जो यहाँ के गार्ड्स होते थे, तो उस समय कैमरे तो हुआ नहीं करते थे, तो यहाँ से बाहर का पूरा व्यू दिखता है उस चोर दरवाजे से। लेकिन बाहर से जब आप खड़े होकर इस बिल्डिंग का वो देखोगे तो आपको कुछ दिखने को नहीं। गाइज फिलहाल मैं फोर्थ फ्लोर पर खड़ा हूँ और फोर्थ फ्लोर से यहाँ से पूरे के पूरे शहर का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूरे के पूरे शहर को, गोमती नदी को निहार सकते हो। अब फोर्थ फ्लोर से हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर देख लिया है इमाम बाड़ा का जो भूल भुलैया है, ठीक है। अभी हमें लेना है एग्ज़िट, और भाई एग्ज़िट लेना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यार ये एडवेंचर मेरे लिए काफ़ी, मतलब काफ़ी खूबसूरत था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भाई, ऐसा कुछ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था।
गाइज फाइनली हम अपने एग्जिट गेट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम भूल भुलैया से निकल चुके हैं, ठीक है। अभी हम एक्चुअली इसमें क्या है कि अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका मतलब ये मत समझो कि आप हम ऊपर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक्चुअली एग्जिट पर, और यही इसकी खासियत है यार, इसीलिए इसको भूल भुलैया बोला जाता है, ठीक है। और इसमें नीचे सुरंगें भी है, ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली को और बहुत सारे शहरों को जोड़ती है। तो पता नहीं भाई कितनी सच्चाई है, वो तो आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कीजिए। गाइस भूल भुलैया देखने के बाद हम अब जा रहे हैं देखने दी बावली, और यहाँ पर देख सकते हो ये है बावली, इसको बावली बोला जाता है। एक्चुअली इसमें पहले गोमती रिवर का पानी इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें एक्चुअली क्या है कि ये कैमरे का काम करती थी, यानी कि इसमें पानी का रिफ्लेक्शन बनता था, और उस समय ये जो सिपाही लोग होते थे वो उस समय इस तरीके से देखते थे कि कौन आउटसाइडर आ रहा है, कौन मतलब कौन अंदर का बंदा है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी साइंस लगाई जाती थी यार। भाई आई एम रियली सरप्राइज गाइस यार कि ऐसी सारी चीज़ें होती थी भाई इंडिया में यार, मतलब ये सारी चीज़ें भाई। एक्चुअली एक मैंने एक पहले भी व्लॉग बनाया था इससे रिलेटेड, और यहाँ पर देख सकते हो ये इतना गहरा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये बावली है भाई, और इसमें पानी इकट्ठा होता था। देखो यहाँ पर देखो ये कितना भाई कितना गहरा है यार, देखो ये है गाइस बावली। और मैं बात कर रहा था कि मैंने एक व्लॉग और बनाया था जिसमें मैंने बनाया था कुरुक्षेत्र का जो पनोरमा है, उसमें हमारी सारी की सारी एंशियंट साइंस की चीज़ें वहाँ पर दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। तो आई थिंक उन्हीं का यूज़ करके यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के यहाँ पर ये सारी चीज़ें भाई रियली में यार, ये मतलब साइंस का एक रियली में दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाउ इज़ द व्लॉग, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ रोमी दरवाज़ा देखने और छोटा इमामबाड़ा देखने, जो कि आने वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा उसके बारे में।